Hello friends, welcome to my channel DDC recipes. Thank you for watching and subscribing to my channel in advance. आज मैं आपके साथ एक ऐसी केक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसके लिए ना ओवन ना गैस और ना ही माइक्रोवेव की जरूरत है। उसके बिना भी ये बहुत ही झटपट बनता है, सुपर सॉफ्ट सुपर टेस्टी ये केक बनके तैयार होता है। तो आप इस केक रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए मैंने 9 बिल्कुल फ्रेश और सॉफ्ट मिल्क ब्रेड ली है। हमें केक के लिए बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट ब्रेड लेनी है और सारे हम 9 ब्रेड के इस तरीके से कॉर्नर्स को कट कर देंगे। देखिए कट कर लिए हैं। तो अब हम एक बोल की हेल्प से 6 ब्रेड को इस तरीके से सेमी सर्कल काट लेंगे। सिर्फ 6 ब्रेड को हमें इस तरीके से कट करना है। तो देखिए कट करके रेडी हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं फ्रॉस्टिंग की तरफ। तो फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने एक ये चिल्ड बोल में 1 कप नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम ली है। इसे हमें स्टिफ पीक फॉर्म होने तक व्हिप करना है और शुगर हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी शुगर इसमें ऐड होता है। इसकी मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। देखिए स्टिफ पीक फॉर्म हो गई है, तो फ्रॉस्टिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम केक को असेंबल कर लेंगे। उसके लिए थोड़ा सा मैंने ये फ्रॉस्टिंग लगा ली है और उसके ऊपर अब हम अपने ब्रेड को जो पहले हमने जिसके कट नहीं करा है वो ब्रेड रखेंगे इस तरीके से, और जो फिर हमने कट करे हैं उसको साइड से लगा लेंगे और एक हार्ट शेप बना लेंगे। देखिए हार्ट शेप बन गया है। तो इसी तरीके से ब्रेड को हमें असेंबल करना है और फिर उसके ऊपर हम लगा लेंगे फ्रॉस्टिंग। अगर आपकी ब्रेड थोड़ी सी भी हार्ड है तो इसके ऊपर पहले आप शुगर सिरप लगाइए। 2 बड़े चम्मच ल्यूकवार्म वाटर में 1 बड़ा चम्मच शुगर पाउडर डालकर शुगर सिरप बना के लगाना है और उसके बाद फ्रॉस्टिंग। अब मैं लगा रही हूँ सेकेंड लेयर ब्रेड की और उसके ऊपर फिर से फ्रॉस्टिंग, और आप फिर से शुगर सिरप लगा सकते हैं। फिर थर्ड लेयर ये हम ब्रेड की रख लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें ये तीनों लेयर असेंबल करनी है और उसके ऊपर से फिर से फ्रॉस्टिंग, और आप चाहें तो शुगर सिरप पहले लगा के तब फ्रॉस्टिंग लगाएं। और फ्रॉस्टिंग को हम चारों तरफ से केक को कवर कर लेंगे अच्छे से। ये फ्रॉस्टिंग की रेसिपी भी मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप नीचे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। चॉकलेट केक के साथ ये रेसिपी भी साथ में है। 15 मिनट हमने इसको रेफ्रिजरेट कर लिया है। तो देखिए अब फ्रॉस्टिंग सेट हो चुकी है। तो अब मैं इसमें ये मेरे पास पिंक कलर का डस्ट है, ये खाने वाला ही कलर होता है, तो इससे मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो चॉकलेट चिप से और या फिर फ्रूट से या किसी भी चीज़ से आप इसे कर सकते हैं, जो आपका मन करे आप उससे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेशन बिल्कुल आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो मैं इसे हार्ट शेप बना रही हूँ, तो मैंने ये पेपर हार्ट शेप में कट कर लिया था और उसमें मैंने इस तरीके से पिंक डस्ट डाल लिया है। और ये मैंने चॉकलेट को जो कंपाउंड चॉकलेट आता है ना डार्क कलर का, उसको ग्रेट करके ले लिया है। चॉकलेट शेविंग मैंने घर पर ही बनाई है, उससे मैं इसको चॉकलेट को फिल कर रही हूँ जितना भी रिमेनिंग स्पेस है। तो देखिए कितना सुंदर और कितना अच्छा केक बनके तैयार हो गया है। बहुत ही सुपर सॉफ्ट केक बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। एक तो झटपट बन जाती है ना, इसमें आपको गैस यूज़ करनी है ना इसको आपको ओवन यूज़ करना है, बिना कुछ यूज़ किए ये बहुत ही जल्दी झटपट बनता है। तो आप इसको इस बार ज़रूर ज़रूर ट्राई करें और मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय। हेल्दी रहिए, खुश रहिए। देखिए कितना सुंदर ये केक बनके तैयार हुआ है और बिल्कुल सुपर सॉफ्ट।